दीदी रुक जाओ ना प्लीज, दीदी दीदी रुक जाइए दीदी दीदी। पंडित जी शादी की रस्म शुरू कीजिए। दूल्हे को बुलाइए। ये रहा दूल्हा। ये क्या फोटो से शादी करेंगे आप? क्यों पंडित जी, कोई दिक्कत है? जब हमारे देश में कलश पेड़ और अर्थी से शादी हो जाती है तो हम फोटो से शादी नहीं कर सकते। हम दिल से रूप जी को अपना पति मान चुके हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक रस्म है। आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। क्या हो गया दीदी आपको? आप तो ऐसे नहीं थी। क्यों कर रही है आप इस? जरूर सदमे की वजह से ये सब कर रही है। हमें उन्हें रोकना होगा। हरे ओम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गठबंधन कीजिए। जी पंडित जी। अरे हेमा, पुष्पा, जया जरा यहाँ आइए। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है। रूपा जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे बहन जी, एक महीना पहले जो गलती हो गई थी उसको सुधार रहे हैं। ये सृष्टि है, हमारे ध्रुव की शादी इसी से तय हुई थी। नमस्ते। लेकिन जी, ध्रुव तो शादीशुदा है। आपको बड़ा याद रहता है। अगर हमारी खुशियों में और इस शादी में चुपचाप शामिल हो सकती है तो आपका स्वागत है, वरना घर के दरवाजे खुले हैं, बाहर जा सकते हैं आप सब। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। आइए ना, बैठे बैठे आइए। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बुध शिवा स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा स्वस्ति न तारिक्षो शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी लसत सुलोचनम लतासनम परमप्रदम कपाल शुद्ध धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे अल्बानंद स्वरूपिणी दुग्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। रूपा, जल्दी आओ, ये किसी को फोन लगा रही है।
हम अभी आते हैं, आप मंत्र पढ़ते रहिए। अरे रूपा जल्दी आओ। हेलो हेलो ध्रुव जी, जल्दी घर आ जाइए ध्रुव जी। क्या हुआ तानी? हाँ वो हेलो 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 तानी, हेलो तानी, कहाँ है? घर। हाँ हेलो हेलो ना, प्लीज प्लीज हमारी दीदी की जिंदगी को बर्बाद होने से रोक लीजिए प्लीज। चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आओ बेटा खड़े हो जाओ। नहीं रुकेंगे हम। आप प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसे बाद में पछतावा हो। प्लीज रुक जाइए। चुप। बिल्कुल चुप। वैसे भी हमारी जिंदगी के कई सारे फैसले आप लोग अपनी मर्जी से लेकर हम पर थोप चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। ये सातवां और आखिरी फेरा है। दीदी आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। दीदी चलो इधर। बुआ जी प्लीज आप क्या। पंडित जी सातवां फेरा पूरा करवाई। हरि ओम मा ओम मंगलम भगवान विष्णु हो मंगलम गणध्वजा। दीदी दीदी क्या हो गया है आपको? सिर्फ
सिंदूर दान की रस्म शुरू कीजिए। हाँ। ये सिंदूर आप खुद को लगा लीजिए। दीदी को समझाइए, हमारी तो नहीं सुननी, शायद आपकी सुननी। बस करो, बस करो ये सब प्लीज। तो क्या करे हम ध्रुव जी, क्या करे? रिश्ता हमारा जुड़ा था, दिल हमारे एक हुए थे, लेकिन धानी की मांग पे आपके नाम का सिंदूर है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप इसे बाहर निकालिए, हम ये सब सबको छोड़ देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर ना ही तुम्हारी जिद पूरी होने देंगे हम। पंडित जी, माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन आप इस वक्त जाइए प्लीज। बहुत हो गया सृष्टि, बहुत हो गया तुम्हारे नाटक अब और नहीं। बहुत बदनाम कर दिया तुमने हमारे परिवार को और खुद के परिवार को, अब चुपचाप जाओ यहां से। प्लीज थोड़ा वक्त दो हमें, वक्त दो चीजों को सुलझाने के लिए, तब तक ले प्लीज तुम जाओ यहां से। नहीं, नहीं जाएंगे हम, जितनी कुर्बानी देनी थी ना हम दे चुके, अब और नहीं। अब धनी को यहां से नहीं निकालेंगे ना? ठीक है, इसे हम निकालेंगे।
हमारी कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हमारी पत्नी है ये। दिल खुश कर दिया आपने ये बोल के, बहुत सही फैसला लिया है आप। बिटिया, हमने आपके पिताजी को वचन दिया था और वचन के लिए हम अपना गला कटवा सकता हूं, और वही काशीनाथ पांडे आज आपको कह रहा है कि ये जो फैसला अब आपने किया है ठीक नहीं किया, और हम इसमें आपको दोष नहीं देता। यही शायद विधि का विधान था कि ये हमारा बचवा आपके घर आएगा और ये धानी को पाएगा आपके माध्यम से, और यही विधि का विधान है और यही ईश्वर को मंजूर है। अरे आप अपना मुकद्दर लेके आया है, आप किसी का अधीन नहीं है, आप क्या भिक्षा लेने आया है? प्यार भिक्षा में नहीं, प्यार में भीख नहीं मांगा जाता। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है। बस देखिए, ईश्वर का चाहता है सब जवाब मिल जाएगा आपको। रूप बचवा अब धानी बिटिया को दिल से अपनी पत्नी मान चुका है। बहुत दर्द होगा आपको, लेकिन यही सत्य है और बहुत कटु सत्य है। पापा, आप शायद हमें गलत समझ बैठे। हमने धानी को पत्नी इसलिए कहा क्योंकि पूरी रीति रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई उससे, और उसके सिवाय हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपनी मांग में कोई और हमारे नाम का सिंदूर भी भरे। अगर आप धानी को पत्नी का हक देना ही नहीं चाहते हो तो उसे वापस भेज दो और हमें अपना लो। सृष्टि, इस वक्त तुम कुछ भी समझने की हालत में नहीं हो। इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। आपकी छोटी बहन है ना, अभी तो आपसे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता था।
लगता है रानी से भी ज्यादा समझती थी आप हमें। फिर अब क्या हो गया दीदी? क्यों दीदी, क्यों जिद कर रही हैं आप? क्योंकि दूसरों के लिए अपना हक छोड़ते छोड़ते थक गए हम। अब हम खुद के लिए जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप सबको हमारी इच्छा जिद लगती है, गलती लगती है तो ठीक है, हैं हम जिद्दी, हैं हम गलत, लेकिन आज हम अपने हक के लिए लड़ के रहेंगे। आज हमने ध्रुव जी की फोटो के साथ शादी की है, पर बहुत जल्द असली शादी करेंगे और इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे।